अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर दूँ। जब मैं चौथी क्लास में पढ़ती थी तो मेरी खातून टीचर मुझे एक कमरे में ले गई और मेरी कमीज़ उठाकर शीरी मजारी की बेटी ने अपने साथ पेश आने वाला इंतहाई शर्मनाक वाक़या बयान कर दिया। तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा शीरी मजारी की साहबजादी ईमान जैनम हाजर मजारी ने बताया कि जब वो चौथी क्लास में पढ़ती थी तो उन्हें एक खातून टीचर की जानब से हरासा किया गया। ट्विटर पर ईमान मजारी ने बताया कि उनके वालदैन ने घर में कभी भी किसी मर्द को मुलाजम नहीं रखा, यहाँ तक कि उन्हें कुरान पाक सीखने के लिए भी एक खातून मौलमा के पास भेजा गया। जब भी किसी किस्म की होम ट्यूशन होती तो उनके वालिद उस वक्त तक कमरे में बैठे रहते जब तक पढ़ाई ख़त्म ना हो जाती। मैं और मेरा भाई जब भी घर से बाहर जाते थे तो वालदैन हमेशा हमारे साथ जाते थे, लेकिन इसके बावजूद जब मैं चौथी जमात में पढ़ती थी तो मेरी प्राइवेट स्कूल में अंग्रेज़ी के मजमून की खातून उस्ताद मुझे खाली क्लासरूम में ले गई और कहा कि अपनी शर्ट उठाओ ताकि चिकन पॉक्स देखे जा सके। टीचर ने कहा कि जब क्लास में वापस जाओ तो कोई पूछे तो बताना कि होमवर्क ना करने पर सज़ा मिली थी। ईमान मजारी ने कहा कि टीचर के रवैये की वजह से उन्हें इस दिन बहुत ही अजीब महसूस हुआ। जब वो घर वापस गईं तो उन्होंने वालदैन के साथ नाराज़ रवैया अपनाया, जिस पर उन्होंने बार बार बुरे रवैये की वजह पूछी, लेकिन मैंने वाकया उन्हें कभी भी ना बताया बल्कि आज से दो साल पहले उन्हें बताया है। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय के इस बार हमें कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।